मिलेगा, काम मिलेगा, काम मिलेगा। कठोर साहब न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। कठोर साहब न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। सैनिक को हत्या मिलेगा, काम मिलेगा, काम मिलेगा। सैनिक को न्याय कब मिलेगा, काम मिलेगा, काम मिलेगा। पंडित पीड़ित किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कितना दर्द हो सकता है इस लफ्ज में, हम इनकी जुबानी आप तक पहुंचाते। क्या है मैटर, किसान किसान वही किसान हैं जो आप और मुझे खाना देते हैं, जो जिस वक्त का खाने के लिए आप और मैं तरसते हैं, वही किसान जो खेतों में नहीं जाने की वजह से आप और मैं जिंदा नहीं रह सकते, वही किसान आज अपनी मौत को मांग रहे हैं। ये है चकबंदी पीड़ित पास गांव के किसान हैं जो 1948 में खरीदे हुए जमीन, 38 माफ़ करिएगा 1938 में खरीदे हुए ज़मीन है वापस मांग रहे हैं, और नहीं तो ये लोग इच्छा मृत्यु चाहते हैं। तो आप लोग कहाँ से हैं, क्या है मांग, और सबके दुखदायक बात यह है कि आप लोग सब किसान हैं और यहाँ पर जंतर मंतर पे लोग अपनी मांगों को पूरा करने आते हैं, और आप लोगों का कहना है कि हमें गोली मार, और अभी देश के किसान हैं। सर थोड़ा सा समझाइए। हम क्या नाम है आपका? राजेंद्र आर्य मेरा नाम है, और मैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का हरियाणा प्रदेश का प्रतिनिधि हूँ। हमारे साथ अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति में हरियाणा प्रदेश के 11 किसान संगठन और 5 मजदूर संगठन हैं। मैं 16 संगठनों की तरफ से इनको समर्थन देने आया हूँ। ये 5 गाँव घरौंडा ब्लॉक के हैं, जिला करनाल के, हरियाणा के किसान हैं, जिन्होंने 1938 में जिनके बुजुर्गों ने, जिनके बाप दादाओं ने ज़मीनें खरीदी थी, और 1965 तक वो ज़मीनें चकबंदी इन्हीं के नाम थी, पर 1965 के बाद 1995 में वो वहाँ के कुछ अधिकारियों ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर ज़मीन उन्हीं के नाम वापस कर दी जो 1938 में ज़मीन बेच चुके थे। जब से आप लोग की जमीन गए हैं, आप लोग क्या करें अभी फिलहाल, क्या करके अपना गुजारा करें? मजदूरी करके गुजारा करें आज, इतना तो हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, इतना कुछ जी, बस ऐसे भूखे प्यासे ऐसे रहते हैं जी। भूखे प्यासे रह रहे तो बच्चे स्कूल भी नहीं भेज रहे? नहीं जाते जी, नहीं जाते जी। हमारे दो बच्चे तो कैसे लील खोसना ने कहें के सारे जीवेंगे हम। तो अभी आप लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, तो बच्चों का भविष्य क्या होगा अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे? खराब है जी, खराब है जी। घर बैठे अपने, जो जमीन नहीं रही तो बच्चों का ये क्या पढ़ाई लिखाई थी, मेरे पेट को नहीं, बच्चों का पेट को नहीं है, मेरे डांगर भी भूखे ना, मारा डांगर रही। एक जो बेच चुके थे, जो बेच चुके थे 1995 में उन्हीं के नाम कर दी। कुछ 5-6 परिवार, हजारों परिवारों की ज़मीनों को हड़पे हुए हैं भूमाफिया वो परिवार हैं, और उनका प्रशासन और शासन में पूरा दबदबा है, पैसे का जोर है, रिश्वत के जोर पे, प्रशासन और सत्ता के जोर पे वो ज़मीनों को हथियाए हुए हैं। ये कब पता चला सर कि वही ज़मीन फिर से उनके नाम पे हो गया? ये 1995 के रिकॉर्ड में पता चला उनके नाम हो गई है, और उन्हीं के पास उनका कब्जा है उन ज़मीनों का। और ये जो गरीब लोग हैं, गरीब मजदूर किसान मजलूल गांव देहात के जो लोग हैं, ये दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, 22 साल से सड़कों पर हैं। तो 22 साल से कुछ भी सुनवाई नहीं, कुछ हो नहीं हुआ। ये कांग्रेस के समय में इनके साथ ये धोखाधड़ी हो गई थी। अब 5 साल हो गए भाजपा को, भाजपा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जब बने थे ऐसा था भाई, मनोहर लाल जी भाई ईमानदार छवि थी उनकी, पर 5 साल से वो भी सैकड़ों बार उनसे मिलने के बाद, निवेदन करने के बाद, वो भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाए हैं। गुजारा कर रहे, मेरी जमीन सारी मरतपर वाले रखो, इसलिए बुआनी वालों ने मैं आज तक सुनाई नहीं करी सरकार ने बिल्कुल भी, जो मैंने नहीं भी सुनाई करी रही मरेंगे हम। मोदी का फैसला करा तो यहाँ का क्यों नहीं करता अपने देश का? हो अपने देश का भी, अपने देश का तो देखो क्या हाल हो रहा है अपने देश में। सर आप भी हरियाणा से हैं, क्या नाम है आपका? जी बिल्कुल, ये जो चकबंदी का मैटर है ये हमारे अपने गांव का ही मैटर है। इसमें कालरम, उसी गांव से जी, हम पीड़ित किसान हैं। इसमें मेन जो है कालरम, भरतपुर, अमृतपुर कला, कैरवाड़ी और लालूपुरा, इसमें 5 गांव का मैटर है ये। इसमें 3500 एकड़ का, लगभग 3500 एकड़ का मामला है, जिसके अंदर 1938 में हमारे जो फोर फादर थे, दादा थे हमारे, हमारे बड़ों ने ये ज़मीनें वहाँ से खरीदी, खरीदने के बाद इनको चालू किया। ये बिल्कुल दरिया बुर्द ज़मीन थी, मतलब जो जमुना की टूटी फूटी ज़मीन थी, बिल्कुल बंजर थी, इसको चालू किया। चालू करने के बाद जब ये खेती के लायक होगी, और तब से 1994 तक, 65 में जैसे चकबंदी हुई उसमें भी हमारे नाम आए हमारे बड़ों के, और 95 में भी, 94 में हमारे नाम थी। उसके बाद चकबंदी होती है एक किसान की ज़मीन को इकट्ठा करना, जैसे हमारी
दो या तीन ब्लॉकों में ज़मीनें थी, जैसे चार किले कहीं हैं, छः किले कहीं हैं, उसमें 1995 में समिति एक कमेटी गठित हुई जिसके अंदर रिटर्न में था कि जो छोटे किसान हैं उनकी सारी ज़मीनें एक जगह इकट्ठी की जाएंगी। लेकिन हुआ क्या, चकबंदी के नाम पर मजाक हुआ, हमारी ज़मीनें जो 5 एकड़ से कम का जमींदार था या 10 एकड़ का जमींदार था उसकी ज़मीनों को चार चार जगह तोड़ दिया गया। 5 एकड़ के ज़मींदार को 4 एकड़ में से 1 एकड़ यहाँ 1.5 एकड़ वहाँ ऐसे खिंडा दिया गया ताकि वो किसान खेती ना करके, जो भूमाफिया के लोग हैं, और मैं तो ये कहना चाहूँगा मौजूदा हमारे विधायक माननीय अरविंदर कल्याण जी, माननीय कहना तो शर्म की बात है, उन्होंने पूरे मैटर को देखते हुए अपने रिश्तेदारों को इसके अंदर पार्टी बनाया और उसमें पूरी भूमिका निभा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं करते। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, जब आप लोग इस मैटर को लेकर जाते हैं वो साइलेंट हैं, वो कहते हैं आपको हम आपकी बात खट्टर साहब के सामने रखेंगे। मनोहर लाल खट्टर जी ईमानदार छवि के आदमी हैं, उनको गुमराह किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा और जो उनके मौके के विधायक हैं। डायरेक्ट जाके नहीं मिला उनसे, डायरेक्ट हमारी 2-3-4 कितनी बार बताएं, हमारे जो किसान समिति है इसका एक हमने कमेटी बनाई हुई है, उसके प्रतिनिधि जाके मनोहर लाल खट्टर जी से मिले और खट्टर साहब ने आश्वासन दिलाया करनाल चौकसी ब्यूरो के तहत उन्होंने जांच कराई, जिसके तहत इसमें लगभग 16 अधिकारी और जमींदार जो भूमाफिया के लोग हैं उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ। लेकिन FIR की कॉपी हमारे पास, हम दिखा सकते हैं अभी, लेकिन अभी तक ना तो कोई उनको अरेस्ट किया गया ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। उसके की बात है सर, ये अभी लास्ट ईयर हमने प्रोटेस्ट किया था उसके बाद हुआ, और अभी जस्ट 20 दिन पहले हमने जो हमारा इन 5 गाँवों का चकबंदी का रिकॉर्ड है पटवार खाने में होना चाहिए था, जिसको अवैध कोठी में दलबी रेशियो नाम का अधिकारी अवैध कोठी में लेके बैठा हुआ था, जो कि एक कानून के खिलाफ है और इस पे लॉ बनता है कि उसको सजा मिले, उसको सस्पेंड तक भी किया जा सकता है। हम तो मोदी के पास बड़ी उम्मीद करके आए हैं जी, ताकि हमारी भी पुकार सुने, मतलब हमारे बच्चे रोन लग रहे हैं, हमारी आत्मा मतलब क्या क्या लिख रहा है, अपने देश का भी तो करके दिखाओ। एक किसान आए यहाँ से चल के दिल्ली, इनका कुछ हल करो। हम और भी लोगों से जानेंगे, आप खट्टर साहब जी ये हमारे करनाल के मुख्यमंत्री जी, ये भी हमारी पुकार बिल्कुल नहीं सुन रहे, ये नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा। कितने बार गए? दो बार जा लिए जी, एक बार तो हम जेल में भी जा लिए जी। तब क्यों गए थे? जेल में भी जमीन के बारे में गए थे जी, तब तो रोक दिए उसमें जेल में, इसका मतलब न्याय देने के मारा जेल में कर दिए, कुछ भी नहीं करा मार्ट लिया। हम तो नहीं प्रया लग रहे, बच्चों की जिंदगी बिल्कुल बेकार हो गई, बच्चों की जिंदगी बिल्कुल बेकार हो गया। इनकी महिलाओं का कहना है बच्चों की जिंदगी बिल्कुल बेकार हो गए, जो हमारे देश का भविष्य है इन महिलाओं का कहना है। हम और भी जानेंगे कि सिर्फ खाने की वजह से इन लोगों को मजदूरी करना पड़ता है, लेकिन इसके सिवा बस जिंदा रह रहे, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। आप भी हरियाणा से हैं? आप भी हरियाणा से हैं? हम 25-30 साल हो गए, ओई कमारे ओई लारे, और बच्चे मारे भूखे तड़पे, कुछ जीरे कुछ मर गए। तो वहाँ के लोकल जो विधायक हैं उनसे भी इनको काफ़ी शिकायतें हैं, और हम 16 किसान संगठनों की तरफ से इनके समर्थन करने आए हैं, और हम ये कहने आए हैं हरियाणा की चाहे कोई पार्टी हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत गई हो, चाहे मौका देखकर हर टिकटार्थी हर स्वार्थी भाजपाई बन रहा हो, पर किसान संगठन विपक्ष की भूमिका भी निभाने के लिए तैयार खड़े हैं, क्योंकि विपक्ष बिल्कुल धराशायी। क्या लगता है आपको, देखिए कि किसानों के इस तरीके की दशा ही है, दिशा ही बदल गया। हाँ हाँ। और आप क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरीके की आप लोगों की दुखदाय परिस्थिति से गुजर रहे हैं किसान, और इस तरफ आप लोग प्रोटेस्ट करें और उस तरफ सेना, जबकि देश में जय जवान जय किसान जो लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था उस टाइम किसान और जवानों के लिए बहुत भला सोचते थे लाल बहादुर शास्त्री जी, आज की टाइम की जो सरकार है वो इस तरीके की परिस्थिति जो ला रहे, जैसे आप लोगों का कहना है कि सरकार कुछ नहीं कर रहे, किस नज़र से देखते हैं सर? 22 साल से ये जमींदार लोग थे सारे के सारे, आज इनके साथ जो 3400 एकड़ की 16,660 बीघे की जो धोखाधड़ी हुई है, जो इनसे छीन लिया गया है, तो ये सड़कों पे आ गए हैं, दिहाड़ी करने पे मजबूर हैं, इनके बच्चे सड़कों पे आ गए हैं बिल्कुल, और दिहाड़ी मजदूरी करने पर, जमींदारों के बच्चे थे ये सारे के सारे, और दिहाड़ी मजदूरी करने पर मजबूर हैं। मेरी मोदी जी से खट्टर साहब से निवेदन है, या तो आचार संहिता लगने से पहले इनको इनकी खरीदी हुई ज़मीनें जो 1938 में इनके बुजुर्गों ने खरीदी थी इनको वापस दे दो, नहीं तो आपका पुरजोर 16 संगठन अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति से संबंधित 11 किसान संगठन, 5 मजदूर संगठन जिनमें प्रमुख राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, वो सारे के सारे आने वाले विधानसभा चुनाव में जो अक्टूबर में है आपका पुरजोर विरोध करेंगे। आप 70 या 75 पार की बात करते हो, आपको हम जमुना पार कर देंगे।
ठीक है सर, अभी आपने ये मैटर जो आप लोगों का प्रोसेस चलते जा रहे हैं, अभी आप लोगों को प्रोटेस्ट कैसे करने है? आप लोगों को लगा क्या कि आके प्रोटेस्ट कर देना चाहिए हमें? एक्चुअली क्या है, हम लोकल बॉडी हरियाणा सरकार के सामने अपना करनाल के अंदर अरुंद नंग प्रदर्शन सैकड़ों बार प्रदर्शन कर चुके हैं हरियाणा में, उसके बाद चंडीगढ़ गए हम, वहाँ पे भी हमने प्रदर्शन किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब लास्ट ऑल इन ऑल हम दिल्ली जंतर मंतर पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अल्टीमेटम देने के लिए आए हैं कि मोदी साहब आप कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने की बात करते हो, आप अपने देश के अंदर देखिए, देश को रोटी खिलाने वाला जमींदार किसान कमेरा वर्ग आज सड़कों पर धक्के खा रहा है। अगर हमारी ये मांग है मोदी साहब से, अगर आचार संहिता लगने तक हमारा ये मैटर सोल्व आउट नहीं हुआ, हमारी ज़मीनों का जो चकबंदी का जो काम चल रहा है उसको पारदर्शिता के साथ हमारी खरीदें हमें पूरी नहीं की गई, तो हम इलेक्शन का पुरजोर विरोध करेंगे और हम मोदी साहब से डिमांड करेंगे नहीं ये पूरा कर सकते, आप भारत के प्रधानमंत्री हो, मालिक हो आज के, और आप ये बात कहते हो कि भाई हम किसान और मजदूर वर्ग को ऊपर उठाने की बातें की जा रही हैं, अगर नहीं होगा तो हम उनसे इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। इनका कहना है कि जैसे जम्मू कश्मीर में 370 हटाया गया है, कहते हैं कि वहाँ की जो मैटर है वो सॉर्ट आउट कर दिया गया है, लेकिन इस तरफ हम दिखाते कि हरियाणा के लोग हैं, इनके वही किसान हैं जिसकी रोटी आप और हम खाते हैं और जिसकी वजह से हम लोग जीवित हैं, हमारे देशवासी जीवित हैं। वहाँ पर देखिए कैसे मुद्दा उलझ रहा है, पेश फंसते फंसते जा रहे हैं, लेकिन कहता है कि मैटर सॉर्ट आउट हो गया है।